नमस्कार। सरल संस्कृत व्याकरण अध्ययन में आप सबका स्वागत है। आज एक सूत्र लेके आया हूँ, वह सूत्र है उरण रपराहा। उरण रपराहा यह सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 51 नंबर सूत्र है। इससे पहले कल तक हम 50 सूत्र पढ़ चुके हैं और यह सूत्र अभी परिभाषा प्रकरण चल रहा है, इसलिए यह भी एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का एक विशेष नियम होता है कि यह प्रयोग सिद्ध में कोई प्रयोग सिद्धि में कोई विशेष योगदान नहीं देते हैं, अपितु सूत्रों का अर्थ निकालने में एक विशेष योगदान देते हैं। तो क्या है कि किसी भी सूत्र के द्वारा उह यानी अण, उह अण बराबर उरण बनेगा। अभी सूत्र का पहले अर्थ हम जान जाएंगे, फिर वो बताएंगे कि ये किसी भी सूत्र के अर्थ में कैसे सहायक होता है। तो उह अण उरण बनेगा। उह मतलब ये उह क्या है, रिकार के स्थान पर। अब आपको यहां उह दिखा रहा है लेकिन अर्थ में रिकार के स्थान पर ऐसा क्यों आया, तो वो अभी आगे के वाक्य में बता रहा हूं विस्तार से कि उह का मतलब रिकार के स्थान पर ऐसा क्यों हुआ। रिकार के स्थान पर होने वाला जो अण है वह उरण कहा जाता है, और वह उरण अण यानी अ इ उ, वह उरण रपर होकर ही प्रवृत्त होता है। रपर यानी उसके पीछे र जुड़ जाएगा, रह परह यस्मात् सह रपरः, र जिसके बाद में हो वह रपर कहा जाता है, यानी रपर होकर ही वह प्रवृत्त होता है। अब ये उहु कैसे हुआ ये जान जाइए। मातृ शब्द का षष्ठी एकवचन में मातुह बन जाता है, देखिए ऋ के स्थान पर उहु आ गया ना। पितृ शब्द का षष्ठी एकवचन में पितुह बन जाता है, उसी तरह ऋ शब्द है तो उसका षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा, उहु। तो उहु मतलब ऋकारस्य, तो ऋकारस्य यानी ऋकार के षष्ठी विभक्ति लगा है तो षष्ठी स्थाने होगा। इससे पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं, कहीं भी षष्ठी विभक्ति लगे तो वहां स्थाने जोड़ देना है, तो ऋकारस्य स्थाने ऐसा हो गया। अब ऋकार का षष्ठी एकवचन उह होता है, अतः उसका अर्थ क्या होता है, ऋकार के स्थान पर षष्ठी स्थाने होगा सूत्र के सहयोग से। ऋकार का तात्पर्य यह है कि ऋकार के 30 प्रकार। अब ये जो उह है यानी ऋ है, वो ऋ का षष्ठी एकवचन जो उह बना है, वो उह से केवल हमको ऋ ही नहीं लेना, ऋकार के 30 प्रकार लेने हैं। वो 30 प्रकार कैसे होते हैं, ऋ के 18 प्रकार तथा ऋ के 12 प्रकार, ऋ के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन के, फिर 6-6 भेद, और यहाँ ऋ के ह्रस्व और प्लुत के 6-6 भेद। तो इस तरह से कुल मिला के 12 और 18 30 प्रकार के ऋ का ग्रहण करना है, यानी इन 30 के 30 प्रकार के ऋण के स्थान पर यदि कहीं भी अण हो रहा है यानी अ इ उ हो रहा है किसी भी सूत्र के द्वारा, किसी भी सूत्र के द्वारा अ इ उ ऋण के स्थान पर हो रहा है, तो वह र पर होकर जुड़ता है यानी र उसके पीछे जुड़ जाता है। र यहाँ र प्रत्याहार है, वो कैसे है वो आगे भी बताएंगे, तो उसके पीछे र जुड़ जाता है। तो किसी भी सूत्र में जैसे गुण कह दिया, गुण होने लगा ऋण के स्थान पर, तो उसके अर्थ में हमको ये जोड़ देना है उस सूत्र के अर्थ में कि ऋ के स्थान पर गुण होगा यानी केवल अ नहीं होगा, उसके पीछे र जुड़ जाएगा, यही तात्पर्य है। अब देखिए र जो है र पर होता है ना, तो र मतलब क्या होता है, र और ल। अब आपको ये कैसे पता चला कि र यानी र और ल ये दो वर्ण कैसे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे हय वरट सूत्र से लण सूत्र तक यह र प्रत्याहार बनता है। देखिए हयवरट में र ये रहा, ये र आधा ले लिया हमने, और फिर हयवरट सूत्र के र को ले लिया, फिर लण सूत्र में ल के बाद जो अ है वो भी इत्संज्ञक है, तो आदिर अंत्यर संहिता के सहारे यह लण मध्ये त्विसंज्ञक, लण में जो अ है वह भी इत्संज्ञक है, तो लण में से ण तक हम प्रत्याहार नहीं बनाए, रण प्रत्याहार नहीं बना रहे, हम केवल र प्रत्याहार बना रहे हैं, ये र को ले लिया और लण के अ को ले लिया, तो र अ यानी र प्रत्याहार बन गया। अब उस र प्रत्याहार में ये र तो आएगा ही, ल का ल आ जाएगा, यानी र प्रत्याहार में र और ल ये दो वर्ण आते हैं। तो हैवरट सूत्र के र से लेकर लण सूत्र से लकारोत्तरवर्ती ल के बाद जो अ है उसको जोड़कर र प्रत्याहार बनता है, जिसमें र और ल ये दो वर्ण समाविष्ट होते हैं।
अब इस सूत्र का अर्थ इतने तक क्या फलीभूत हुआ कि ऋकार के स्थान पर यानी 30 प्रकार के ऋकार के स्थान पर ऋ और ल रूप जो ऋकार है उस ऋकार के स्थान पर अगर किसी भी सूत्र द्वारा अ हो रहा है या ई हो रहा है या उ हो रहा है तो वह रपर होकर आएगा। रपर होकर यानी या उसके पीछे र जुड़ जाएगा या उसके पीछे ल जुड़ जाएगा। यदि लृ के स्थान पर अ हो रहा है तो ल जुड़ जाएगा, ऋ के स्थान पर अ हो रहा है या ई हो रहा है या उ हो रहा है तो उसके पीछे र जुड़ जाएगा। बस यही इतना इसका तात्पर्य हुआ। उदाहरण यहाँ देख लेते हैं, कर्ता हर्ता कारक हारक कीरति गिरति द्वि मातुरः त्रयी मातुरः इत्यादि उदाहरण है। प्रथमावृत्ति में इसके बारे में लिखा उह, यह षष्ठी एक वचन है, कैसे हो मैं बता चुका हूँ। अण, यह प्रथमा एक वचन है और रपरह भी प्रथमा एक वचन है। रपर का क्या अर्थ होता है वह यह समास देख लेते हैं। रह परह यस्मात् सह रपरह, र जिसके बाद में है उसको रपर कहा जाता है। अब यह र क्या है, वो र प्रत्याहार है, कैसे बना है वो पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। बहुव्रीही समास है। अनुवृत्ति यहाँ पर स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से। तो यानी उहु स्थाने रकार से स्थाने अगर कोई अनुवृत्ति रकार के स्थान पर यदि अण हो रहा है तो वह अण रपर होकर ही आएगा। अब देखिए रवर्ण से स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, यानी ऋकार के स्थान पर जो अण हो रहा है यानी अ ई उ किसी भी सूत्र के द्वारा हो रहा है तो वह प्रसक्त होते ही रपर होकर ही प्रसक्त होता है। कर्ता हर्ता कारक हारक वही जो 8 उदाहरण मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया वही उदाहरण दिखा रहे हैं। भाषार्थ इस सूत्र का क्या होगा, ऋवर्ण के स्थान पर अण यानी जो अ ई उ में से कोई भी अक्षर हो रहा है प्राप्त हो रहा है तो वह होते होते ही रपर यानी र परे वाला हो जाता है। जब यहाँ ऋ के स्थान पर गुण वृद्धि प्राप्त होता है तो ऋ का अंतरतम सदृशतम इनमें से कोई है नहीं तो प्रकृत सूत्र से आ या अण होते होते रपर होकर अर और आर बन जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुण और वृद्धि किसे कहते हैं वो पहले और दूसरे सूत्र के विवेचन में बता चुका हूँ। अ ए ओ इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है, आ आई औ इन तीन वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। तो ए ओ ए और आई ये जो गुण ए है और वृद्धि है आई ये किसके स्थान पर, ई के स्थान पर हो जाते हैं, चरितार्थ है फिर मिल जाते हैं। उ के स्थान पर या गुण होता है तो ओ वृद्धि होती है तो औ। लेकिन ऋ के स्थान पर तो देखिए ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उ और ओ देखिए ओ और ए दोनों में से कोई भी वर्ण मूर्धा स्थान वाला है ही नहीं, वो दोनों कंठ तालु है और ये ओ औ ये दोनों कंठोष्ठ वाले हैं। मूर्धा स्थान वाले दोनों में से कोई भी वर्ण इन चारों में से कोई है ही नहीं, ना ए ऐ ओ औ कोई है ही नहीं। तो ये जो वृद्धि कहा गया है, आ को वृद्धि कहा गया और अ को गुण कहा गया है, ऋ के स्थान पर होगा आदेश तो वही दोनों होने लगेगा अ और अ। तो ऋ के स्थान पर अगर कहीं अ या आ होता है या कोई भी अण होता है तो वह रपर होते ही आकर आएगा, होते ही रपर यानी र उसमें जुड़ जाएगा तो अर या आर बन जाता है। सो स्थानेंतरतमा सूत्र लगाकर अर या आर गुण वृद्धि होते हैं। गुण और वृद्धि क्या होंगे, अर होगा या तो आर होगा, ऋ के स्थान पर गुण होगा तो अर, वृद्धि होगी तो आर। यह बात समझ लेना है कि गुण और वृद्धि होते होते ही आ और आ रपर होते हैं, होने के पश्चात नहीं। मतलब क्या होगा, जब गुण हो रहा है ऋ के स्थान पर तो वो डायरेक्ट अ यहाँ आकर बैठेगा फिर उसके बाद पीछे से आकर र जुड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट अर ही आएगा और डायरेक्ट वृद्धि होगी तो डायरेक्ट आर ही आएगा, रपर होकर ही आएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में यह पंचसंधि में यह सूत्र है, कैसे है देख लेते हैं। ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम, ऋ का मतलब क्या है, ऋ के 300 प्रकार, ऋ 18 और ऋ 12। ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम तत्स्थाने योण सरपर सन्नेव प्रवर्तते, उस ऋ के स्थान पर जो अण हो रहा है यानी अ ई उ हो रहा है वो र पर होकर ही
प्रवृत्त होता है, कृष्णार्थी ही तबलकार। ये लिरिक का उदाहरण दे रहे हैं, ये भी अभी सिद्ध कर देते हैं। अर्थ क्या है, यह ऋ जो है ये 30 की संज्ञा है, यह हम पीछे अनुदित स्वर्ण चा प्रत्यय सूत्र पर कह चुके हैं। यानी ऋ का 18 प्रकार और लृ का 20 प्रकार, उस ऋल वर्ण और मिथ सावर्ण्यम वाचन से वो सवर्ण है। तो उस 30 प्रकार वाले जो ऋल वर्ण और मिथ सावर्ण्यम वाचन वार्तिक ने कहा था कि ऋ और लृ वर्ण दोनों परस्पर सवर्ण है, और परस्पर सवर्ण है इसलिए ऋ का 18 प्रकार और लृ का 12 प्रकार दोनों मिला के दोनों वर्णों के 30-30 प्रकार होते हैं। तो उस 30 प्रकार वाले जो ऋ है, उस ऋण के स्थान पर यदि अण आदेश करना है, यानी अ ई उ ऐसा कोई आदेश करना है, तो वह ऋण प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होता है, यानी उसके पर में ऋण प्रत्याहार जुड़ जाता है। व्याख्या इसका देखते हैं। उहु क्या है, यह षष्ठी एकवचन का रूप है। ऋ शब्द के षष्ठी एकवचन में जैसे पितृ शब्द के षष्ठी एकवचन में पितुः बनता, उसी तरह ऋ के शब्द के षष्ठी एकवचन में पितुः के समान ही उहु प्रयोग बनता है। अण यह प्रथमा एकवचन है, रपर यह भी प्रथमा एकवचन है। समास क्या है, रवेशमात असल रपर वो बता चुके हैं। अर्थ क्या होता है, ऋवर्ण के स्थान पर अण अर्थात अई उ रपर होकर ही प्रवृत्त होते हैं, रपर प्रत्याहार परे वाले होते हैं। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र पर ऋ की 30 संज्ञाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं। वहां पर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि यह जो ऋ है उसकी 30 उसके 30 प्रकार होते हैं, और तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में मैं इस विषय का प्रतिपादन कर चुका हूं सूत्र में। तो वो जो ऋ 30 प्रकार है, वो 30 प्रकार उस ऋ के 30ों के प्रकार के स्थान पर यदि कोई अण होगा तो वह र प्रत्याहार परे वाला होगा, अर्थात उससे परे र अथवा ल वर्ण भी होंगे। अर अल अर आर आल इर इल उर उल इत्यादि उदाहरण हैं। देखिए ऋ के स्थान पर अर हो अ होने लगेगा तो अर बन जाएगा, लृ के स्थान पर अ होने लगेगा तो अल हो जाएगा। तवल का रहा उदाहरण है, तब लृकारा था, लृ के स्थान पर गुण हुआ अ, तब अ का रहा, लेकिन वो अ हुआ नहीं, डायरेक्ट र पर होकर यानी ल पीछे आके जुड़ के ही आया। अल का रहा तब अलकारा तवल का रहा बन जाएगा। वृद्धि होगी तो आर और आल होगा। फिर रेता धातु सूत्र से अगर इर होने लगे तो इर या इल होगा। उहु होगा रेता उत सूत्र से तो उर होगा या तो उल होगा, इत्यादि ये सब उदाहरण है। अब कृष्णार्धि सिद्ध कर लेते हैं। कृष्ण की समृद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि, ऐसी स्थिति में अणकारोत्तरवर्ती अवर्ण से पढ़े। देखिए अण के बाद तुरंत अ है, इस कृष्ण में आप देखेंगे तो क ऋ ष अण अ इतने वर्ण है, सबसे अंत में अ है। तो अणकारोत्तरवर्ती जो अवर्ण है अ, उससे पर में ऋकार विद्यमान है, अच ऋ स्वर है, अच यानी स्वर है। उस स्वर के विद्यमान होने के कारण आदगुणा सूत्र लगेगा। आदगुणा सूत्र क्या कहता है, आगे कोई अवर्ण हो यानी अ हो, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो गुण हो जाता है। तो आदगुणा सूत्र द्वारा पूर्व पर दोनों के स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, इस अ के स्थान पर और ऋ दोनों के स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, और एक गुण प्राप्त होता है अ ऋ के स्थान पर। अ देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ, ऋ का मूर्धा, अ ऋ का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा है। तीनों गुणों में कंठ स्थान तो सबका मिलता है पर मूर्धा स्थान किसी का नहीं मिलता है। गुण कितने हैं वो हमने अध्ययन गुणा सूत्र में देख लिया है, अ ए ओ ये तीन गुण है। तीनों गुणों में आप देखेंगे तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, ए का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ, लेकिन कंठ और मूर्धा स्थान तो किसी का ही नहीं। कंठ तो सबका है लेकिन कंठ मूर्धा तो है नहीं। अब देखिए यदि पूर्व पर के स्थान पर अ गुण करें तो प्रकृत सूत्र द्वारा र प्रत्याहार पर में हो जाता है। तो देखिए ये देखिए क्या होता है कि ए और ओ हम करने नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और ओ करेंगे तो वो कंठ और तालु वाले हैं या कंठ और ओष्ठ वाले हैं। तो कंठ और मूर्धा के स्थान पर हम कंठ और तालु वाला क्यों करें, कंठ और ओष्ठ वाला क्यों करें, केवल कंठ वाला मिलता है तो चल जाएगा, एक्स्ट्रा स्थान वाला क्यों करें।
तो अ यदि करने लगते हैं तो रु के स्थान पर होने वाला अ है, वो उसके पीछे र अपने आप जुड़कर ही आएगा, तो वो अ नहीं वो तो अर है। और र जुड़कर अगर आएगा तो र और ल दो वर्ण आते हैं, र जुड़ी का तो वो अर हो गया और अर हो गया तो देखिए सदृश हो जाएगा। स्थानेन्तर तमा सूत्र से देखेंगे तो ऋ के स्थान पर अण करने पर उससे पर में र जुड़ेगा और ऋ के स्थान पर अण करने पर उसके पीछे ल जुड़ेगा, स्थानेन्तर तमा सूत्र कहेगा। तो इसलिए सदृश हो जाने से अ नहीं अ के पीछे र जुड़कर ही आएगा, अर बनकर ही आएगा। तो यहाँ पूर्व पर के स्थान पर एकादेश होने पर ऋ के स्थान पर अण आ करना है, अतः उसके पीछे र जुड़कर ही आएगा, अर हो जाएगा। और अर का स्थान कंठोर मूर्धा है मिलता है, इसलिए स्थानी और आदेश तुल्य हो जाते हैं। अब अर जो एक आदेश करेंगे तो कृष्ण अर्धि कृष्णार्धि ऐसा प्रयोग सिद्ध बनेगा। तवलकार का उदाहरण 13 लृकार, किसी का नाम लृतक है उसको बोल दिया कि 13 लृकार, तेरे नाम में जो लृ है वह तवल लृकार हो गया। अब ये तवलकार ऐसे रूप कैसे बनेगा, आप देखिये तव प्लस लृकार, यहां देखेंगे तव में अंत में अवर्ण है और उसके पीछे लृ यह एक स्वर वर्ण है, तो आदगुणा से गुण प्राप्त तो हुआ और गुण किसके स्थान पर होगा, अ और लृ दोनों वर्णों के स्थान पर होगा। और गुण प्राप्त हुआ तो वर्ण रपरा सूत्र लगेगा, र प्रत्याहार पीछे इसके जुड़ना चाहिए, अ जो गुण होगा तो केवल अ होगा क्योंकि लृ का उच्चारण स्थान दंत है। और जो गुण होने वाले हैं यहाँ देखे गुण हो रहा है किसके किसके स्थान पर, अ और लृ, अ का कंठ और इसका दंत, तो दोनों का उच्चारण स्थान देखिए कंठ और दंत व स्थान वाले हैं। और लृ के स्थान पर देखिए अगर कोई अण करने लगेंगे तो क्या होगा, यानी जो गुण कर रहे हैं गुण में अ ये ओ तीन वर्ण है, कंठ 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 वाले तो तीनों है, लेकिन वो ए और ओ है वह कंठ तालु और कंठोष्ठ वाले हैं, ये कंठ दंत वाला है, यानी ए और ओ उसके स्थान पर आएंगे नहीं, केवल कंठ स्थान वाला अ प्राप्त होने लगेगा। लेकिन अ लृ के स्थान पर हो रहा है इसलिए उरण रपरा सूत्र लगेगा, उसके पीछे र प्रत्याहार जुड़ेगा, तो र प्रत्याहार स्थानेन्तर तमा सूत्र के सहयोग से र प्रत्याहार में स्थित जो ल है वही इसके पीछे जुड़ेगा, क्योंकि लृ प्रत्याहार लृ के स्थान पर हो रहा है इसलिए अ लृ के स्थान पर अण होने लगेगा तो अल बनकर ही आएगा, तो तब अल कारह तवल कारह ऐसा प्रयोग सिद्ध होगा। अन्य उदाहरण जो प्रथमावृत्ति में दे रखे थे वो सभी उदाहरण देख लेते हैं, अण के पूरे के उदाहरण देख लेते हैं, अ ई उ तीनों के, कर्ता हर्ता ये अ के उदाहरण है। देखिए कृ धातु से हमने त्रिच प्रत्यय किया, हृ धातु से भी हमने त्रिच प्रत्यय किया अणुल त्रिचौ सूत्र से। अब इन दोनों धातुओं से जब त्रिच प्रत्यय हुआ, त्रिच प्रत्यय में से च की हलंत्यम से इत्संज्ञा हो जाती है, तस्योपा से लोप हो जाता है, यहाँ भी च की इत्संज्ञा होकर तस्योपा से लोप होगा तो केवल त्रि बचता है, तो कृ त्रि ऐसी स्थिति है। कृ में जो ऋ है उसके स्थान पर सार्वधातुक अर्ध धातु के होने कहा कि पीछे सार्वधातुक प्रत्यय हो या अर्ध धातुक प्रत्यय हो तो गुण होता है, किसको गुण होता है जिसके अंत में ई उ ऋ हो, ऐसे वर्ण ऐसे गुण होता है, तो इको गुण वृद्धि इत्यादि सूत्रों के सहयोग से कृ में जो ऋ है उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ, उसको गुण प्राप्त हुआ तो ऋ के स्थान पर गुण होगा, तो गुण किसे कहा जाता है, अ ए ओ इन तीन वर्णों को ही कहा जाता है। उसमें से ऋ के स्थान पर गुण होने लगेगा तो क्या होगा, मैं बता चुका हूँ अ होने लगेगा, और ऋ के स्थान पर अगर अ ई उ इन तीनों वर्णों में से कोई वर्ण होता है तो वह रपर होकर ही आता है, यानी उसके पीछे र जुड़ जाता है, ऋ के स्थान पर होगा तो र जुड़ेगा, ऋ के स्थान पर होगा तो पीछे ल जुड़ेगा, तो ऋ के स्थान पर हो रहा है इसलिए उरण रपरा सूत्र के सहयोग से यहाँ पर र पीछे जुड़कर ही आएगा, और पीछे जब र जुड़कर ही आएगा तो ऋ के स्थान पर अर आ गया, क अर कर्तृ ऐसा रूप बन गया। इसी तरह हृ में जो ऋ है उसके स्थान पर गुण हुआ तो अ आ रहा था और पीछे र जुड़कर ही आया तो ह अर्तृ कर्तृ और हर्तृ ऐसा शब्द बन गया। अब ये जो कर्तृ और हर्तृ ये दो शब्द बने, यह दोनों शब्द कृदंत है इसलिए कृतद्धित समासाश्च से ये दोनों शब्द प्रातिपदिक मान लिए जाएंगे, और प्रातिपदिक माने जाएंगे तो ज्ञात प्रातिपदिका सूत्र के सहयोग से सौज समोच्छष्टाभ्याम भिस्मेभ्याम भिस्मसिभ्याम भिस्मसौसाम सुख सूत्र से
सुप्रत्यय होगा प्रथमा एक वचन का। तो कर्तृसु ऐसी स्थिति में रेदुसानस पुरुदंसो ने हसांच सूत्र से अनंग आगम होगा, अनंग आगम नहीं अनंग आदेश होगा। ये जो अनंग आदेश होगा वो किसके स्थान पर होगा, ऋ के स्थान पर, क्योंकि गित है और गिच्च सूत्र से, गिच्च सूत्र के सहयोग से, ये गिच्च सूत्र शायद कल या परसों में पढ़ेंगे, उसके सहयोग से ये जो गित होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो केवल ऋ के स्थान पर गित, ये जो अनंग है वो अनंग आएगा, तो ऋ के स्थान पर अनंग आ गया, तो यह रक्त आधा हो गया कर्त अनंग, अनंग में से अ और ङ चला जाता है केवल अन बचता है, तो कर्त अन स ऐसी स्थिति भी, सु में से केवल स बचा है। इसी तरह हर्त अनंग स ऐसी स्थिति भी हृदस पुरुदंसो ने हसांच सूत्र से। अब देखिए कर्त अनंग जो स था उसमें से अब जोड़ेंगे तो कर्तन स ऐसा स्थिति था, हर्तन स ऐसी स्थिति थी, तो कर्तन था ना, उस कर्तन ये नकारांत हो गया और नकारांत है उसके साथ साथ सेकेंड लास्ट वर्ण उसमें अ है। देखिए ये अंतिम वर्ण कर्तन का और इसे सेकेंड लास्ट वर्ण, सेकेंड लास्ट वर्ण यानी उपधा अ है, तो सर्वनाम स्थाने च समुद्धो सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो कर्तान स हो जाएगा, हर्तान स हो गया। हल्नी आभ्यो दीर्घा सूति से प्रक्तम हल सूत्र से इसके स का लुक हो जाएगा, इसके भी स का लुक हो जाएगा, तो कर्तान और हर्तान ही बचा। और फिर नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से न का लुप हो जाएगा, तो कर्ता और हर्ता ये दो रूप बना। अब इस सूत्र, इस पूरे उदाहरण में हमको इस सूत्र का क्या तात्पर्य है वो देखना है। इन दोनों उदाहरणों में देखिए ऋ में जो ऋ है उसके स्थान पर गुण हो रहा था, तो गुण तो केवल अ को कहा जाता है अदेन गुण सूत्र के कारण, लेकिन वो अ हो रहा था वह रपर होकर ही आया, उसी तरह यहाँ भी, ये इस सूत्र का उदाहरण है। अब अन्य दो उदाहरण देखते हैं, कारक और हारक वृद्धि का। कृ धातु से हमने अणुल प्रत्यय किया उसी सूत्र से, अणुल त्रिचौ सूत्र से। हृ धातु से भी अणुल प्रत्यय किया अणुल त्रिचौ सूत्र से। तो कृ देखिए अणुल प्रत्यय में चुटु सूत्र से ण की संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम से ल की संज्ञा हो जाती है, केवल वो बचता है, यहां भी अणुल में से वो बचता है, तो हृ वो कृ वो ऐसी स्थिति है। अब ये जो वो प्रत्यय है वह अणित है क्योंकि इसमें ण की संज्ञा हुई है, अणित प्रत्यय इसलिए अचो अणिति सूत्र लगेगा। यह कहता है अगर पीछे कोई भी अणित प्रत्यय हो और उससे अणित प्रत्यय से तुरंत पूर्व में ऋ का क्या कहते हैं इगंत अंग हो, यानी रेलरी उसके स्थान पे अंत में हो, तो उसको वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होगी तो वृद्धि किसे कहते हैं वह आपको पता है, आ आई औ इन तीन वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। तो उन तीन वर्णों में से कोई एक वर्ण आएगा, सदृशता देखेंगे तो केवल क्या होगा आई औ प्राप्त होंगे ही नहीं ऋ के जगह पे, क्योंकि वो दोनों कंठ तालु और कंठोष्ठ वाले हैं, यह ऋ क्या है मूर्धा स्थान वाला, तो वो दो दो स्थान वाले मूर्धा के स्थान पर, मूर्धा स्थान वाले की जगह पर कंठोष्ठ कंठ तालु और कंठ ये तीन प्राप्त हो रहे हैं, आ कंठ वाला है, ए कंठोष्ठ आई कंठोष्ठ वाला कंठ तालु वाला है, औ कंठोष्ठ वाला है, तो क्या करेंगे तीनों मिल नहीं रहे हैं, तो कम से कम जो सबसे कम केवल कंठ स्थान वाला है आ वही होगा ऋ के स्थान पर, इसलिए आ होने लगा तो आ होगा, तो क्या होगा ये आ अण में आता है, ऋ के स्थान पर हो रहा है अण, तो वह रपर होकर ही आएगा यानी र पीछे जुड़ ही जाएगा उरण रपर सूत्र के सहयोग से। तो क आर वु कार वु इसी तरह आर वु हार वु ऐसा बन गया। अब इसके बाद जो युवोरणाको सूत्र आएगा वो वु के स्थान पर अक कर देगा, ये युवोरणाको सूत्र कहता है यू के स्थान पर अन वु के स्थान पर अक, तो वु के स्थान पर अक कर दिया, तो कार अक हार अक कारक। फिर उसके बाद इसके कृदंत है इसलिए कृतद्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सौज समोष्टाभ्याम सुप सूत्र से सुप्रत्यय होगा, सु में से स बचेगा, ससजसो रूह से रू हो जाएगा उसके स्थान पर, रू में से र बचेगा और उसका र का खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग होकर कार कहा, यहाँ भी उसी तरह खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग होकर हार कहा बनेगा।
अब देखिए कीरति और गिरति ये दो उदाहरण हम देखते हैं जहां ऋ के स्थान पर ई हो रहा है, अ हो रहा था वो उदाहरण हम दोनों देख लिए, ह्रस्वा और दीर्घा। ई का एक उदाहरण ये देखते हैं और ऊ का ये दो उदाहरण हम देखेंगे नीचे, द्वई मातुरा और त्रयी मातुरा। कृ विक्षेप धातु था और गृ निगरणे ये दो धातु हैं। इन दोनों धातुओं को लट लकार में तिप्तस्थमिवस्मस्ताताम सिथा साथाम धमिवही महीम सूत्र से तिप प्रत्यय हुआ है। कृ तिप गृ तिप, ये जो कृ में आपको दीर्घ ऋ दिख रहा है उस ऋ के स्थान पर ही यहां कुछ होगा, उससे पहले हम एक और सूत्र लगा देते हैं तुदादिभ्यः सह। ये जो धातु है आपको कृ और गृ दो धातु दिख रही है, ये धातु तुदादिगण की है और तुदादिगण में जो धातुएं हैं उन सभी धातुओं से कर्तरि शप सूत्र से शप नहीं होता है, तुदादिभ्यः सह सूत्र से वहां पर स होता है, तो स में से भी केवल अ ही बचता है, लषक्व तद्धिते से स का स चला जाता है केवल अ बचता है, तो कृ अ ति ऐसी स्थिति है, गृ अ ति तुदादिभ्य स का स था उसमें से केवल अ बचा है। अब देखिए ऋत ऋत इद धातु क्या कहता है, दीर्घ ऋकारांत जो धातु होती है उन धातुओं को उन धातुओं के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है, तो ह्रस्व ई प्राप्त होने लगेगा तभी उरण रपरा सूत्र कहेगा कि ऋ के स्थान पर अ ई उ इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण होता है तो वह रपर होकर ही आता है, रपर होकर ही आता है यानी इसके पीछे र जुड़ जाएगा, तो क इर केवल ई हो रहा था लेकिन रपर जुड़ जाएगा तो क इर अ ती की रति ऐसे जोड़ेंगे तो किरति बन गया, उसी तरह ग इर अति गिरति बन जाएगा। यहां देखिए ऋ के स्थान पर ई हो रहा था तो वह उरण रपर सूत्र के सहयोग के कारण पीछे रपर होकर ही आया। अब अगले दो उदाहरण देख लेते हैं, द्वई मातुरा और त्रयी मातुरा। द्वयोर मात्रो रपत्यम, दो माताओं का जो पुत्र है वह द्वई मातुर कहा जाता है, कार्तिकेय जी को कहा जाता है द्वई मातुरा, नहीं कार्तिकेय जी तो श्रावण मातुरा थे, तो वो क्या है कि दो माताओं के जो पुत्र हैं वो द्वई मातुर कहे जाते हैं, कैसे वो प्रक्रिया अलग है लेकिन ये द्वई मातुर शब्द से हमको मतलब है, हम यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो क्या है द्वि द्वयोः मात्रोः अपत्यम, दो माताओं का जो अपत्य है दो माताओं का जो पुत्र है वो द्वि मातुर कहा जाता है, तो द्वि मातृ अण अ क्या होता है कि द्वि शब्द ये है उस द्वि शब्द द्वि उपपद पूर्वक मातृ शब्द से अण प्रत्यय हुआ, उसी तरह तृणाम मातृणाम अपत्यम जो तीन माताओं का पुत्र है वह त्रि मातृ अण किस सूत्र से, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया। मातु देखिए मातृ शब्द से अण प्रत्यय होता है उसके पूर्व में यदि संख्या हो तो, और उस मातृ शब्द के अंतिम वर्ण को उ हो जाता है, उत यानी ह्रस्व उ हो जाता है, तो उसी सूत्र ये सूत्र दो काम कर रहा है, मातृ शब्द के ह्रस्व जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर ह्रस्व उ करता है और संख्या पूर्व में जो हो उसमें अण प्रत्यय भी होता है, यहाँ पर अण अनुवृत्ति से आती है, अण प्रत्यय कर दिया तीन मातृ अण द्वि मातृ अण, अण में से केवल अवस्था है अण के हलंतिम से संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप हो जाता है, तो द्वि मातृ अ त्रि मातृ अ। उसी सूत्र से देखिये मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया जो सूत्र है उसी सूत्र से यहाँ जो मातृ शब्द में जो ऋ है उसके स्थान पर उ होने लगेगा, मातुरुत उ होने लगेगा तभी उरण रपरा सूत्र कहेगा कि कोई भी अ ई उ में से कोई भी वर्ण यदि ऋ के स्थान पर हो रहा है तो पीछे रपर होकर ही आता है, उ होने लगेगा लेकिन उर हो जाएगा, तो उर हुआ द्वि मात उर अ त्रिमात उर अ।
अभी तद्धित प्रत्यय अण तद्धित होने के कारण तद्धित स्वचामादे है, तद्धित है उसके साथ साथ अणित भी है। नित या अणित तद्धित प्रत्यय पर में हो तो तद्धित स्वचामादे सूत्र से तद्धित शब्द में जो अन पहला स्वर है वो वृद्धि हो जाती है उसकी। तो यहाँ देखिए पहला स्वर इस द्विमातुर शब्द में केवल द्वि का ई था, उसकी वृद्धि हो जाएगी आई हो जाएगा, तो द्वई मातुर अ। यहाँ भी त्रि में जो ई है उसकी वृद्धि हो जाएगी पहले स्वर की तद्धिते सचा मादे से, तो त्रई मातुर और त्रई मातुरा। अब ये जो त्रई मातुर और द्वई मातुर शब्द बन गया, ये शब्द कैसे है तद्धितांत है, तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से ये प्रातिपदिक मान लिए जाएंगे और सौज समुच्छष्टाभ्याम दिस्म्येभ्याम दिस सूत्र से ये यहाँ पर प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय आएगा, सु में से केवल स बचता है और उस स के जगह पे स जुसो रूह सूत्र से रू हो जाता है, रू में से केवल र बचता है, उपदेश जन्मनाशिक इत से ऊ की इत संज्ञा होकर तस्व लोप से लोप हो जाता है, तो केवल जब र बचता है द्वई मातुर र त्रई मातुर र। यहाँ पर खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, तो द्वई मातुर और त्रई मातुर, द्वई मातुरा और त्रई मातुरा ऐसा शब्द बनता है। तो आज के सूत्र में इतना ही, केवल यह सूत्र के इस सूत्र के विषय में हमको यह अवगंतव्य है, यह समझना है कि ऋ के स्थान पर और ऋ के स्थान पर यानी ऋ के जो 30 प्रकार है उनके स्थान पर यदि कोई भी अण हो रहा है यानी अ या ई या उ हो रहा है तो वह र पर होकर जोड़ेगा। ये र पर यानी यहाँ पे जो र कहा गया वह र प्रत्याहार बनाने का तात्पर्य है उससे, र प्रत्याहार यानी वो अगर ऋ के स्थान पर अ ई उ हो रहा है तो ऋ के तुल्य र जुड़कर आएगा और र पर होकर आएगा, और यदि ल के स्थान पर अ ई उ हो रहा है तो वह ल पर होकर आएगा यानी उसके पीछे ल जुड़कर आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।